राष्ट्र की सुरक्षा, हिंदुत्व और धर्म, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो यूपी में इन दिनों खूब सुनाई दे रहे हैं। यूपी में इसके पहले 2017 में चुनाव हुए थे, उसके एक साल पहले से यानी 2016 में भी इन्हीं शब्दों की गूंज थी। अब 2022 में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ठीक एक साल पहले यानी 2021 से ही ये शब्द सुर्खियों में रहने लगे और अब तक है। जी हाँ, आपको बता दें, इसे समझने के लिए हमने दोनों ही चुनावी साल से एक साल पहले यानी 2016 और 2021 की घटना और मुद्दों के पैटर्न का एनालिसिस किया। इससे पता चलता है कि चुनाव के एक साल पहले से एक ही तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं और माहौल बनाने की कोशिश होती है। जैसे कि कहानी 2016 के पांच बड़े मुद्दों की, जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक, देवबंद, राम मंदिर, अखलाक लिंचिंग, हिंदू पलायन, ये सारे मुद्दे उठाए गए थे। और ऐसे ही कहानी जो है 2021 के पांच बड़े मुद्दों की, वो है धर्म परिवर्तन, हिंदू आस्था, मदरसा, कैराना और धर्म संसद। जी हाँ, आपको बता दें, चुनाव 2016 और 2021 की घटनाओं के विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि यूपी में चुनाव से ठीक पहले के साल में कुछ खास तरह के मुद्दे माहौल में घूमने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर खुद होता जाता है। इसे समझने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। हम अपने सवाल के साथ BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर श्वेता प्रसाद के पास पहुंचे। वो यूपी में ही रहती हैं, इन मुद्दों को करीब से देखती हैं और समझती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति हो या संस्था, सबकी अपनी एक खास इमेज होती है, हार्डकोर वोटर हो या आम लोग, अमूमन उसी इमेज के साथ उसे देखना पसंद करते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल की इमेज ध्रुवीकरण वाली है तो उसे अपनी इमेज बदलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। प्रोफेसर श्वेता कहती हैं कि आखिरी साल में कोर वोटर को साथ रखने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी जड़ों की तरफ यानी उस इमेज की तरफ लौटने लगते हैं जो इन्हें डिस्क्राइब करती हैं। भाजपा भी यही करती रही है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS में प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी बेमकसद नहीं होता और ना ही खुद ब खुद होता है, हर चीज रणनीति का हिस्सा होती है। जिन मुद्दों का जिक्र आपने ऊपर किया, वे मुद्दे खुद ब खुद जीवित नहीं हो सकते, उनके लिए पूरी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, यानी रणनीति के तहत ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।